आपके साथ अनुष्का राय और आप देख रहे हैं कोशियालो न्यूज। कुमारखंड प्रखंड के राजद प्रखंड अध्यक्ष अरुण कुमार ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा, बीते एक सप्ताह पूर्व श्रीनगर थाना क्षेत्र परमानंदपुर पंचायत में मुखिया पुत्र और पति द्वारा पत्रकार पर हुए जानलेवा हमला की राजद की ओर से कड़ी निंदा करते हुए उन्होंने आज पत्रकार का सुरक्षित नहीं है। परमानंदपुर पंचायत में पीएम आवास योजना में हुए भ्रष्टाचार को लेकर पत्रकार खबर प्रसारण कर आवास योजना में हुए लूट का भांडाफोड़ करने पर परमानंदपुर पंचायत के मुखिया पुत्र और दलाल द्वारा पीएम आवास योजना में लाभुक से 15,000-20,000 रुपए की वसूली करता है। ब्लॉक के वरीय पदाधिकारी की वजह से भ्रष्टाचार और दलाल पैदा होता है। घटना के समय में पटना में था पत्रकार, उस पर हुए मुखिया पुत्र द्वारा जानलेवा हमला और ब्लॉक में हो रहे भ्रष्टाचार की कड़ी निंदा करता है। पत्रकार पर हुए जानलेवा हमला को लेकर राजद की और मधेपुरा एसपी से मिलकर मुखिया पुत्र की गिरफ्तारी की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा, ब्लॉक से दलाली तथा संपत्ति हो इसके लिए अनावृत आंदोलन करूंगा, इसके लिए कसम खाता हूं। जिला ब्यूरो मोहम्मद माजिद मधेपुरा की खास रिपोर्ट। पूरे भारत से नरेंद्र मोदी को बहलाने का काम करेंगे इस लालू जी के जनस्व पर। और आप लोगों को फिर पुनः पत्रकार को मैं बधाई दूंगा और इसके माध्यम से आज मैं एक चीज और मैं आगाह करना चाहता हूँ कि ब्लॉक में जितनी भी भ्रष्टाचार चल रहा है और मीडिया पर जो हाथ उठाया गया है, मैं इसका घोर निंदा करता हूं। इसलिए कि यहां भ्रष्ट वीडियो बैठा हुआ है, दलाल अगर कोई पैदा किया है तो ये हमारे प्रखंड विकास पदाधिकारी, जो अब हमारे पत्रकार सुरक्षित नहीं है, मुखिया के जो दलाल हैं, जो पुत्र हैं, ताकि 15,000-20,000 परमानंदपुर में लेने का काम किया, हम तो पटना में थे और पत्रकार पर जानलेवा हमला किया। मैं इस राजद की ओर से मैं एसपी साहब से मिलूंगा ताकि उसकी गिरफ्तारी हो और ब्लॉक से दलाली प्रथा समाप्त हो, इसके लिए चरणबद्ध आंदोलन करेंगे। मैं कसम खाता हूं लालू जी के जन्मदिन पर, गरीबों को मैं कोई कष्ट होने नहीं दूंगा। और जनता मालिक को, चाहे ब्लॉक हो, हॉस्पिटल हो, अरुण जी, रात और दिन हम लोग पूरे परिवार लगल रहते हैं, राजद परिवार, इसलिए कामना करते हैं कि आदरणीय नेता हम लोगों के भगवान उसकी उम्र आयु और लंबी करे, ताकि वो सिर्फ बैठल रहे। हम लोग बिहार में तख्ता बदलने का काम 24 में करेंगे और नरेंद्र मोदी को बदलने का काम करेंगे। क्या संदेश देना चाहते हैं लालू जी की तरफ से? मैं संदेश यही देना चाहता हूं, हम लोगों के जो भगवान है आज लालू जी, आज जो हम लोगों को जुबान दिया है, आज मीडिया के सामने जो बोल रहे हैं, इसलिए हम कामना करते हैं कि हमारे राजद अध्यक्ष स्वस्थ रहे और गरीबों को हिम्मत दिया है, इसलिए गरीबों भूखा नहीं रहे, रोटी और कपड़ा और मकान, लालू जी का संदेश है कि गरीब को कोई तकलीफ नहीं हो, जितने राजद के परिवार हो, गरीब के सेवा में लगल रहना चाहिए। तमाम महत्वपूर्ण खबरों के लिए देखते रहिए कोशी आलोक न्यूज।